मध्य प्रदेश के ग्वालियर के साजापुर जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। नदी नाले उफान पर होने से जिले के कई नदी नाले पर बनी पुल पर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर तेज बहाव के बीच निकाल रहे हैं, तो वह बच्चों से भरी स्कूल बस पानी में फंस गई। वहीं यह पूरा मामला साजापुर जिले के तिलावत का है, जहाँ एक स्कूल बस पानी में फंस गई। ग्रामीणों ने पहले रस्सी के सहारे स्कूल बस को निकालने का प्रयास किया, लेकिन बस के ना निकलने पर ट्रैक्टर के सहारे स्कूल बस को निकाला गया। बस चालक की लापरवाही बच्चों की जान पर भारी पड़ सकती थी। बस पुलिया पार करते समय पानी में डूबने लगी और बंद हो गई। ग्रामीणों ने समझदारी से सभी बच्चों की जान बचाई, तो वहीं ये बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बस पूरी तरीके से पानी में डूबती नजर आ रही है और ग्रामीणों की समझदारी के बाद बच्चों को बचाया जा सका। वहीं अधिक जानकारी के लिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता भूपेंद्र साहू इस पर जानकारी देंगे। भूपेंद्र, ये जो दुर्घटना हुई है, ये दुर्घटना कुल मिलाकर प्रशासन की आंख खोलने वाली है, क्योंकि लगातार चाहे सीएम शिवराज हो, उन्होंने कुल मिलाकर बाढ़ में छात्रों को लेकर हिदायत दी है कि किसी भी प्रकार से स्कूल अगर कुल मिलाकर अगर बाढ़ या बारिश तेज होती है तो स्कूल ना खोले जाएँ, या फिर खोले जाएँ भी तो उनको उचित तरीके से उनके स्थान तक भेजा जाती। ये प्रशासन की कहां लापरवाही हुई है? सरकार की तरफ से चूक हुई है या प्रशासन की तरफ से? जी रवि रवि राजपूत जी, ये पूरा जो मामला है, ये मामला जो है बहुत ही एक दुर्घटनापूर्ण वाला, बड़ी दुर्घटना को देने वाला मामला था। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जो है मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई जो है जिलों में जो है अवकाश की घोषणा भी कर दी है। उसके बाद जो है जो जिले के कलेक्टर हैं उनकी लापरवाही इस मामले में ऐसी जगह जो है सामने नजर आ रही है कि जो है जब पता है जिला प्रशासन के अधिकारी कलेक्टर हुए या एडीएम हुए या कमिश्नर हुए, उनको पता हो रहते हुए भी कि बारिश हो रही है, उसके बाद भी ये स्कूल खोल रहे हैं। और ये जो एक बड़ी जो मामला है, जो कि बस जो है इसमें जो है 25 बच्चे करीब फंसे हुए थे और जो है उनकी मतलब जान जो है जोखिम में चली गई थी, लेकिन वो जो स्थानीय ग्रामीण है उनने जो है अपनी मेहनत से उसमें सारे बच्चों को एक रस्सी से सारे बाहर निकाला और बस को ट्रैक्टर से जो है खिंचवाया। तब नहीं जाके जो है पूरा 2 घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसके बाद ये जो है बच्चों की जान जो है बचाई जा सकी। लेकिन इस पूरे मामले में सामने जो आया है कि जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी कर्मचारी या जो नगर परिषद का या नगर पालिका का जो फायर जो अमला दस्त रहता है, वो इस मामले में जो है कहीं बच्चों को बस में से निकालने के लिए नहीं सामने नजर आया। जी रवि जी, भूपेंद्र, ये जो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा आपने बताया कि जैसे एसडीआरएफ की टीम एनडीआरएफ की टीम लगातार सीएम शिवराज के उन्होंने कहा है कि कुल मिला के जब भी बारिश हो रही है हम हर जिले में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भेज कर तैनात किए, लेकिन ये जो वारदात बड़ी होते होते घटना रुक गई, वहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन या फिर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंची या फिर सूचना नहीं दी गई उनके तक? जी ये जो साजापुर जिले में एक तिलावत करके एक जो है जगह है, वहां से बस जो है स्कूल की पुलिया को पार कर रही थी, लेकिन साजापुर एक जिला है, बड़ा जिला है, वहां के स्थानीय लोगों ने जो है कलेक्टर को जो भी अधिकारी हैं अपने जो जिनको सूचनाएं दी, लोकल पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन इस पूरे मामले में जो है इनकी चाहे जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो या जो जो टीम है जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नियुक्त की गई है, इनकी जो है लापरवाही एक सामने नजर आई है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो है जहां पर फंसी हुई थी उसके कई करीब करीब 2 घंटों तक जब तक ग्रामीणों निकाल ली, उसके बाद बस निकाल ली, उसके बाद भी कोई पहुंचा नहीं मौके पर, घटनास्थल पर। भूपेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अधिक जानकारी दी। वहीं आपको बता दें ग्वालियर में ये बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। वहीं सरकार की तरफ से लगातार दावे किए जाते हैं, लेकिन दावे जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं।